नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मित्रों, आज बात कर रहे हैं हम एक्वेरियम के ऊपर। फिश एक्वेरियम घर में रखना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात तो मैं पर्सनली आपको फिश एक्वेरियम घर में रखने की सलाह नहीं देता। मेरा जो अनुभव रहा अभी तक, फिश एक्वेरियम जिन्होंने भी घर में रखा है उनकी सोच का दायरा एक हद तक बंद गया है। जैसे एक मछली जो कि बहुत बड़े समुद्र में घूमने वाली, खुले में रहने वाली, उसे आप एक कांच के 2x2 के डिब्बे में आप बंद कर देते हैं तो उसको एक आदत पड़ जाती है। उसको लगता है कि ठीक है, मेरी यही ज़िंदगी है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। इसका इफेक्ट आपको क्या होता है, आपके घर में अगर स्टूडेंट के नंबर 60% आए तो आप कहते हैं ठीक है, आपको अच्छा लगने लगता है, आप सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं। आपने महीने में इनकम जहाँ 5 लाख की होनी चाहिए थी वहाँ 2 लाख रुपए की होगी, आपने कहा इट्स ओके, मन की सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो गई आपको। आपके कोई और ऐसी चीज़ जो आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करनी थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं लिमिट हो गई। तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन जो है वो आपकी सोच को ये लिमिट कर रही है, ये बहुत कंट्रोल कर रही है। आपने इस सोच को, दायरे को अगर आप चाहते हैं कि बड़ा हो जाए तो आप एक्वेरियम घर में मत रखिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रखे हुए हैं, शौक है, रखना ही रखना है, तो आप बड़ा एक्वेरियम रखें तो अच्छी बात है, छोटा तो अवॉइड ही करें। एक्वेरियम अगर आपने रख लिया है तो साउथ ईस्ट जो अग्निकोण की दिशा है वो है कैश फ्लो की। कैश फ्लो में सबसे ज़्यादा जो मुख्य दिशा है कैश फ्लो में, उसमें साउथ ईस्ट में अगर आप रखेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में आपके घर में धन की बरकत भी मिलेगी और नए इनकम के सोर्सेज भी जनरेट होने शुरू हो जाएंगे यदि आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपने फिश एक्वेरियम रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे फिश एक्वेरियम अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत ज़्यादा हो, सोचने की आज़ादी मिले, कुछ आप बड़ा क्रिएटिव कुछ काम कर पाएँ, कुछ बिजनेस में नए आइडियाज़ निकलें, तो आप फिश एक्वेरियम नॉर्थ में रखिए। उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बशर्ते एक्वेरियम यदि आपका बड़ा होना चाहिए। फिश एक्वेरियम दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, वेस्ट में रखते हैं। आप वेस्ट में भी रख सकते हैं, वहाँ से भी आपको फाइनेंशियल काफ़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा, काफ़ी चीज़ों में स्थिरता आएगी, काफ़ी चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कंसंट्रेशन घर में बिल्कुल नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो आप घर के वेस्ट में भी आप फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। आप मेडिटेशन चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल पावर चाहते हैं घर में ज़्यादा बढ़े, तो फिश जो है, फिश एक्वेरियम को नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में रख लीजिए। तो घर में थोड़ी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा, थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे, थोड़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर। छोटे छोटे रेमेडीज हैं मित्रों, आप ये कीजिए, आपको फिश एक्वेरियम से भी लाभ होगा। लेकिन मैं पर्सनली आपको फिश एक्वेरियम घर में रखने की सलाह नहीं देता। हाँ, रखना भी पड़े अगर घर में है तो, आपके पास अगर कोई बिजनेस प्लेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई कमर्शियल प्लेस है तो वहाँ पे लगाएं, तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आगे दीजिए नारायण जी को, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।